सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू टेक रिवील। सो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक और कमाल का कंपैरिजन, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों से Xiaomi के MI A3 स्मार्टफोन के बारे में। यानी कंपैरिजन करेंगे स्मार्टफोन को किसके साथ, Realme 3 Pro स्मार्टफोन के साथ, और आपको बताएंगे इन दोनों ही स्मार्टफोन में से आपको कौन सा बेटर देखने को मिल जाता है। साथ ही मैं आपको स्पेसिफिकेशन के साथ ही कंपैरिजन करके बता दूं, हमेशा की तरह साथ में बताऊंगा लॉन्च डेट कब है। मतलब यहाँ पे Realme 3 Pro तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी MI A3 का पता नहीं है, साथ में प्राइस कितनी होगी ये भी एक्यूरेट पता नहीं है। सो आज की इस वीडियो में आपको कंपैरिजन साथ साथ ये दो चीज भी पता लगने वाली है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग और कमाल की तो होने वाली है। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग टेक रिवील। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ और आपको बताते हैं Realme 3 Pro एंड Xiaomi का MI A3 स्मार्टफोन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, और कंपैरिजन के मामले में भी कौन सा एक दूसरे से बेहतर कौन है। सो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले Xiaomi के MI A3 की, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.088 की SD वाली प्लस AMOLED स्क्रीन के साथ में। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉच डिस्प्ले, जो कि होती है बड़ी नहीं, यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलता है यहाँ पे आपको Xiaomi के MI A3 का फुल डिस्प्ले। यहाँ पर बस एक चीज की कमी है कि यहाँ पे SD प्लस की जो डिस्प्ले है, इसके अगर फुल SD प्लस की डिस्प्ले होती तो काफी ज्यादा बेटर होता, क्योंकि AMOLED स्क्रीन में अगर आपको फुल SD प्लस की स्क्रीन मिलती है तो वहां पर आपकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा डिसेंट हो जाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा अंडर डिस्प्ले, जो कि होता है Xiaomi के MI A3 में। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे Realme 3 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.3 इंचेस की फुल SD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ में, प्लस रेजोल्यूशन के साथ में यहाँ पे आपको पूरा वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है Realme 3 Pro में। तो यहाँ पे जो 6.3 इंचेस की जो डिस्प्ले है ये काफी ज्यादा लेंथी है, मतलब कंपैरेटिवली MI A3 से। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में तो वोट करना चाहूंगा Realme 3 Pro को। इसके अलावा गाइस, मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करूँ Xiaomi के MI A3 में, तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 वाला प्रोसेसर, और ये भी पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको 665 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो 675 से कम है और 660 से ज्यादा है, ये आप पूरा कैलकुलेशन लेके चल सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ Realme 3 Pro में, तो यहाँ पे आपको गाइस मिलता है Qualcomm Snapdragon 710 का प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप लोग प्रोसेसर के मामले में समझ गए हो कौन सा ऑब्वियसली विनर है Realme 3 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको 660 मिलता है 670 के बीच में, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा गेमिंग वगैरह के मामले में, या फिर अगर आप अपने ऐप्स वगैरह को यूज़ करते हो, हाईली रिकमेंडेड ऐप्स को यूज़ करते हो, अगर आपने फोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज में लगाते हो अगर प्रोसेसर के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए बेटर होगा Realme 3 Pro का, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 710 का प्रोसेसर। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की, यहाँ पर गाइस आपको देखने को मिलता है MI के A3 में 4030 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, स्मार्टफोन में होना भी चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे आपको इनबॉक्स में 10W का अडेप्टिव चार्जर भी प्रोवाइड मिलता है। इसके अलावा Realme 3 Pro में गाइस आपको देखने को मिलता है 4045 mAh की बैटरी, जो कि इस स्मार्टफोन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और साथ में इस 4045 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आता है आपको इनबॉक्स में ही मिलता है वूक 3.0 का चार्जर, जो कि आता है 20W के चार्जर के साथ में। तो यहाँ पर भी मैं बैटरी कैपेसिटी के मामले में तो खैर ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं 30 और 45 में, क्योंकि 4030 एंड 4045 mAh में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर चार्जर्स के, एडेप्टिव चार्जर्स की। तो यहां पर विनर है Realme 3 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको 20W का चार्जर मिलता है, इसका दुगना मिलता है लगभग आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैमरा क्वालिटी की, यानी कैमरा कंपैरिजन की इन दोनों स्मार्टफोन में MI A3 में और यहाँ पर Realme 3 Pro में, तो Xiaomi के MI A3 में गाइस आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रियर पैनल में, जो आता है आपका 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP के साथ में, 48MP प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, और जो आपका 2MP आपका डेप्थ सेंसर के लिए। इसके अलावा Realme 3 Pro में बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है गाइस, जो आता है आपका 16MP प्लस 5MP के साथ में। खास बात यह है इस रियर कैमरा सेटअप में, डुअल रियर कैमरा सेटअप में Realme 3 Pro में, कि यहाँ पे जो आपको प्राइमरी जो कैमरा देखने को मिलता है, जो आता है आपका सोनी IMX के सेंसर के साथ में, ये सोनी का IMX सेंसर आपको मिलता था OnePlus 60 वाले स्मार्टफोन के कैमरा पैनल में भी, तो इस वजह से इसका जो कैमरा है आपको बिल्कुल इक्वल कर देगा यहाँ पे OnePlus 60 के कैमरास के अलावा भी। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो डिस्प्ले वाले पार्ट में मैंने आपको दोनों ही बताया कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो आपका फ्रंट जो फेसिंग कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, वो आपको एकदम बीच में मिलता है, मिडिल में मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MI A3 में, तो यहाँ पे आपको 32MP का सेल्फी कैमरा बीच में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है अपर्चर 2.0 के साथ में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
Realme 3 Pro में तो यहाँ पर भी आपको 25 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है एफ एपर्चर 2.0 के साथ में। यानी यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो कैमरा पैनल के मामले में ऑब्वियसली विनर है यहाँ पे आपका MI का A3 स्मार्टफोन, क्योंकि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने के साथ साथ सेल्फी कैमरा भी काफी ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैं वोट करना चाहूंगा यहाँ पर MI के A3 को। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ डिजाइन की, तो डिजाइन की वजह से यहाँ पर मुझे MI A3 बहुत ज्यादा अच्छा लगा कंपेटिवली Realme 3 Pro से, क्योंकि Realme 3 Pro में अगर मैं बात करूँ डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको डिजाइन जो रियर पैनल में वो काफी ग्लासी फिनिशिंग के साथ में आता है, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अगर मैं बात करूं इसके पूरे कॉम्बिनेशन में, तो इसके कई सारे वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, जैसे कि ये एक तो एक है इसका ब्लू प्लस पर्पल कॉम्बिनेशन के साथ में, दूसरा है ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में, और शायद तीसरा कोई और वेरिएंट है, इसके बारे में मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं पहले वेरिएंट की, जो कि ये ब्लू प्लस पर्पलिश कलर वाली, तो यहां पर आपको जो काफी शाइनिंग सरफेस देखने को मिल जाता है, मतलब यहां पे आपको कह सकते हो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, लेकिन शाइनिंग सरफेस यहां पे आपको पूरा पूरा देखने को मिल जाता है। साथ में आपको बॉटम कॉर्नर से देखने को मिलता है थोड़ा पर्पलिश डिजाइन, बाकी ऊपर के बॉटम ऊपर टॉप से लेकर आपको मिडल तक में पूरा पूरा ब्लूइश देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे शाइनिंग सरफेस Realme 3 Pro का भी अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर MI के A3 में, तो यहाँ पर Realme 3 Pro से भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको S कर्व शेप वाला डिजाइन देखने को मिलता है रियर पैनल में। और खास बात यह है कि यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लगा होता है ग्लास प्रॉपरली, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पीछे के लुक में शाइनिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका फोन पूरा पूरा हाईलाइट होता है अगर आप इसको हैंड्स में फील करते हो। इसके अलावा आपका फोन बहुत ज्यादा ही बेटर है आपके ग्रिप पुल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है काफी काफी अच्छे डिजाइन एंड लुक वाले स्मार्टफोन के साथ में। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ Realme 3 Pro में एक पॉइंट और है, जो कि है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन तो है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलता है आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्शन, जो कि होता है आपके स्मार्टफोन के रियर पैनल के बीचों बीच, जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट प्लेस पर है। और यहां पर ही मतलब बेसिकली स्मार्टफोन्स में अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर रियर साइड से, तो बेसिकली यही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारे जो फिंगर्स है वहीं पुट आउट होते हैं। तो यहां पे आपको मिलता है फास्ट रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। यहाँ पे कंपैरिजन गाइस होती है फिनिश। अब आपको बताते हैं एक्चुअली में कि यहाँ पे आपको विनर कौन सा देखने को मिलता है, Realme 3 Pro या MI का A3। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर चलूँ, तो डिस्प्ले के मामले में, प्रोसेसर्स के मामले में और बैटरी कैपेसिटी के मामले में विनर है यहाँ पे आपका Realme 3 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। लेकिन अगर डिस्प्ले में थोड़ा डिटेल में जाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको लेंथी के मामले में Realme 3 Pro काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करूँ एमोलेड वगैरह की, तो यहाँ पे एमोलेड्स में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है कंपैरेटिवली IPS LCD से बढ़िया देखने को मिलता है यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन। तो यहां पर अगर मैं डिटेल में अगर मैं वोट करूं, तो यहां पे डिटेल में वोट है यहां पे MI A3 का। बस थोड़ी सी कमी ये रह गई कि अगर HD प्लस की जगह फुल HD प्लस की डिस्प्ले होती तो और ज्यादा बेटर होता। दूसरी बात यहां पे आती है परफॉर्मेंस की बात। यहां पर आपको Realme 3 Pro में भले ही 710 का प्रोसेसर देखने को मिलता हो, लेकिन यहां पे पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको 665 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यानी यहाँ पे आप भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग बात करो Redmi के Note 7 Pro में, तो वहाँ पे आपको 675 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपको लगभग उसी जैसा फील करवा देगा। तो ये एकदम मिडल में है, और जिस तरह से अगर आप लोगों ने Redmi Note 7 Pro को यूज किया हो, तो आपको पता होगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उससे आप थोड़ा सा इसे कम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिली, वो थोड़ी सी देखने को मिली Realme 3 Pro में ज्यादा, वरना ये भी बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि गेमिंग वगैरह आपको प्ले करना हो तो दोनों स्मार्टफोन में आपको मिडल में करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग हाई में करोगे, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको Realme 3 Pro में भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी 710 के NM के साथ में आता है। तो बेसिकली दोनों स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर जो है वो काफी हद तक सेम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे तीसरी चीज आती है बैटरी कैपेसिटी की, दोनों में ही सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आता है इन दोनों स्मार्टफोन के एडेप्टिव चार्जर में, जो आपको इनबॉक्स में प्रोवाइड होता है, जो कि है 20 वाट का फास्ट चार्जर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Realme 3 Pro। इस वजह से यहाँ पे आपको MI A3 थोड़ा सा लूज होता दिखाई देता है, वरना यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी भी काफी ज्यादा डिसेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कैमरा क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको विनर मिलेंगे MI का A3, और डिजाइन के मामले में भी डेफिनेटली विनर है यहाँ पे MI का A3 कंपेरेटिवली Realme 3 Pro से, वरना वो भी बहुत ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पे मेन चीज़ आती है कंक्लूजन की, कि यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा परचेज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो करंटली टाइम पे, और अगर अभी आप लोगों ने प्लानिंग कर रहे हो कि अगर आपको कौन सा स्मार्टफोन चूज करना है वीडियो देखने के बाद, Realme 3 Pro या फिर MI का A3, तो सबसे पहली बात जो MI का A3 है, मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी MI CC9 के ऊपर, जो कि ग्लोबली तौर पर जो लॉन्च हुआ था उसी टाइप पे, बस इसका जो रीब्रांडेड वर्जन है वो बनाया है MI का A3, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन कुछ इसी तरीके से हैं। और यहां पे अगर मैं एक चीज बताऊं, तो Realme 3 Pro हो गए लगभग 2 महीने लॉन्चेस के, और ये सभी स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है बहुत सारे लोगों के पास पहुंच चुका है और अभी भी अवेलेबल है। लेकिन MI के A3 की बात करूं, तो अभी तक इसका कोई लॉन्च इवेंट ही यहां पे अभी इंडिया के लिए कोई शामिल नहीं आया कि इंडिया में इसका लॉन्च इवेंट कब होगा या फिर ये स्मार्टफोन लॉन्च कब होगा, ये मेन चीज नहीं पता चली है MI A3 के बारे में। वरना ग्लोबली तौर पर तो फाइनली लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग ग्लोबल तौर पर
करना चाहते हो तो आप फाइनली वहां से बैंगलोर वगैरह से मंगवा सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडिया के रिटेल यूनिट से चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको रियलमी 3 प्रो में वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो यहाँ पर प्राइस और वेरियंट जो अगर मैं बताऊँ सबसे पहले प्राइस के मामले में, यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ रियलमी 3 प्रो में, तो ये आता है आपके तीन वेरिएंट्स के साथ में। सबसे पहले आता है 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, एंड जो तीसरा वेरिएंट है वो आता है 6GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो कि ये हाईली वेरिएंट है, मतलब ये टॉप वर्जन का वेरिएंट है। तीनों ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्जन की, तो ये स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग स्टार्ट है वो है 14,500 रुपये से, जो आपका आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और ये लगभग करते हैं 18-19,000 तक पहुंच जाता है, वो भी टॉप लेवल वाले वर्जन के साथ में। तो यहाँ पर ये है कुछ इस तरीके से प्राइस Realme 3 Pro की। लेकिन अगर मैं बात करूँ MI के A3 में, तो ये भले ही बता दिया हो कि जो इसका वेरिएंट है वो कुछ होगा 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, 4GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, लेकिन अभी तक प्राइस मेंशनेड नहीं है। ग्लोबली तौर पर तो ये शायद मिल जाता है कुछ 15-20 हज़ार के आसपास में, लेकिन जो इंडिया में अगर ये लॉन्च होगा तो डेफिनेटली कि 15-16 हज़ार के करीबन में ही ये लॉन्च होगा, क्योंकि ये फाइनली फुल कट है। लेकिन अगर ग्लोबली तौर पे आप लेंगे तो शायद 15-20 हज़ार के रेंज में आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना पड़ जाए। तो यहीं पे मेन चीज आती है, अगर आप लोग इंडियन रिटेल यूनिट से खरीदना चाहते हो किसी भी स्मार्टफोन को, तो यहां पर अभी आप लोग Realme 3 Pro खरीद सकते हो बेसिकली। और यहां पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो डेफिनेटली विनर है यहां पे MI A3, क्योंकि लेटेस्ट भी है और Realme 3 Pro को लगभग 2 महीने पहले था, इसलिए इस वजह से उससे आगे भी है। तो बस यही था गाइस आज के कंपैरिजन में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन जरूर पसंद आएगा। उसमें मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बताने की Realme 3 Pro वर्सेस MI का A3 स्मार्टफोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो डेफिनेटली गाइस लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना टेक्री यूट्यूब चैनल को, जहां पे आपको ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस, स्पेसिफिकेशन वीडियो एंड कंपैरिजन जैसी वीडियो देखने को मिलती रहती है। सो मिलते हैं गाइस ऐसे ही कंपैरिजन एंड टेक्नोलॉजी जैसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, देखते रहिए टेक्री।